समस्त कार्यकर्ता जिंदाबाद। अब आपके बीच में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आपके बीच में संबोधन करेंगे। जोरदार ताली बजाते अपने लोकप्रिय नेता का सम्मान करें, आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। जननायक जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पहली इस संयुक्त सभा में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंचासीन दोनों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेतागण, सम्माननीय उत्तर भारत के बीएसपी के प्रभारी डॉक्टर मेघराज जी, जननायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश इकाई के आपके अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय प्रकाश भारती जी, अजीज दुष्यंत चौटाला, बीएसपी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सीपी सिंह साहब, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अंतराम जी तंवर साहब, माननीय नरेश सारण जी, पूर्व स्पीकर रहे माननीय सतवीर काद्यान जी, माननीय दादा रामकुमार गौतम जी, चौधरी पूरन सिंह जी राबड़ा साहब, चौधरी हर्ष कुमार जी पूर्व मंत्री, महिला शाखा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा शीला भ्यान जी, समस्त जेजेपी और बीएसपी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष सारे हालात और परिस्थितियां बड़े विस्तार से रखी, उन बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा, आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। आपके बीच में 5 प्रस्ताव पेश किए गए। मैं सबसे पहले तो आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप दोनों हाथ खड़े करके उन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास करें। आपके बीच में गुरु रविदास जी मंदिर की चर्चा आई, यह भी मैं प्रस्ताव के तौर पे आपके समक्ष कहता हूं कि दोनों पार्टियों के लोग हाथ उठा करके इसे फिर से बनवाया जाए, ये प्रस्ताव पारित करें। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को सम्मान दिवस के रूप में मनाती है, सदा मनाते रहे, चाहे पार्टी का नाम कुछ भी रहा हो, पर अब आप लोगों ने संयुक्त रूप से इसे मनाना है। चौधरी देवीलाल जी की कर्म भूमि, जहां से उन्होंने हरियाणा प्रदेश को नई दिशा देने का काम किया था, महम में इस 25 सितंबर को हम सम्मान दिवस को बड़े धूमधाम से, बड़े
जोर और ताकत के साथ मनाने का काम करेंगे। उस दिन वहां पर बहुजन समाज पार्टी की सर्वे सर्वा कुमारी बहन मायावती जी भी आए और मैं भी आऊंगा, सब आपके सामने बैठे हुए लोग तो आएंगे ही। अब ये चुनाव के बीच का ही समय होगा, आपका चुनाव भी उसी से लड़ा जाएगा, तो उसके लिए हमने पूरी ताकत लगानी है। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, डॉक्टर मेघराज जी कह रहे थे ना कि ये जो एक यात्रा आजकल चीफ मिनिस्टर लेके चले हुए हैं, ये यात्रा इनकी अंतिम यात्रा करवा दो, ताकि इन लोगों का जो आज सातवें आसमान पे जो दिमाग जा रखा है वो इनका दुरुस्त हो जाए। और वो काम आप कर सकते हो, सब मिलकर के कर सकते हो। दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एक एक घर घर जाएं, नीति कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाएं और इनके कारनामों से भी लोगों को अवगत कराने का काम करें कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव से पहले अनेक वायदे आपके समक्ष किए और चुनाव के बाद वो सारे के सारे वायदे इनके जुमला साबित हुए, किसी भी वायदे को पूरा करने का काम नहीं किया। कभी 15 लाख देने की बात करते थे, कभी नौजवान को रोजगार से जोड़ने की बात करते थे, लाखों को रोजगार देने की बात करते थे, कभी माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे के साथ करते थे, पर हो रहा है टोटल इसके विपरीत। इन्होंने तो ठगियां मारने का काम किया है और निरंतर उसी काम में लगे हुए हैं। प्रदेश को बेदर्दी से लूट भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं घोटाले तो हुए पर हमने दबाए तो नहीं, दबाए नहीं तो खाए भी खूब हैं, उसी काम में लगे हुए हो। कहीं रोडवेज का हो रहा है, कहीं दवाइयों का हो रहा है, कहीं ओवरलोड का कर रहे हो, माइनिंग का कर रहे हो, तो निरंतर इसी काम में ये लोग जुटे हुए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का अवसर आपके पास है। ये तो झूठी वाई वाई अपनी लूटने का काम करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 में भारत रत्न मिला था और इस कार्य को अमली जामा पहनाने का काम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने किया। उस वक्त वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को संसद में चौधरी देवीलाल जी ने लगवाने का काम किया। कांग्रेस तो हमेशा वोट के लिए तो उनके नाम का इस्तेमाल करती रही है, इसी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो जिस सम्मान के हकदार थे उनको सम्मान देने का काम उन्होंने ना कभी किया ना करने की सोच थी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज हम इस संयुक्त मीटिंग में एक संकल्प लेकर के जाएं कि ये जो 50 और 40 का आपका गठबंधन है,
ये एक एक सीट आपकी जीतनी चाहिए और बाकायदा इसके लिए अभी से प्रयास शुरू करें। जो ये भाग भाग के बीजेपी में घुसे थे, अब वो लोग वहां पे भी परेशान हैं, उनका वहां दम घुट रहा है। ऐसे लोगों को भी झिझक तोड़ लो, उनको भी अपने पास बुला के बिठा लो। और एक एक वोटर तक सीधे संपर्क के लिए जुट जाओ। चुनाव के गिनती के दिन बाकी है, किसी भी वक्त आपके बीच में चुनाव की घोषणा हो सकती है, इसलिए पूरी शक्ति से दोनों राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जुट करके काम करें। मैं तो यही कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। बाकी बातें तो जिलावार जो अब दोनों की मीटिंग्स रखी है उसमें विस्तार से उल्लेख किया जाएगा, बताया जाएगा। तो एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने दुख की घड़ी में तेजाखेड़ा पहुंच करके हमारी हौसला अफजाई की और आपने हमें ताकत दी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, माता और बहनों का सबका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप आए, और गुजारिश करता हूं कि अभी से जाकर के चुनावी तैयारी के हिसाब